पूछना चाहूंगा कि आप परिणीति से और सिद्धार्थ से एक एक करके अपने मन की बात कर सकते हैं। जी हाँ भाई और बहनों, आपके चहेते स्टार साहब के सामने बैठे हुए हैं। जी पहले कौन आ रहा है? हाँ जी भाई साहब, है कम बजट वाले अक्षय खन्ना लग रहे हैं आप। हेलो सिद्धार्थ। हेलो, नमस्ते। हेलो परिणीति मैम। मैम क्या आपको ट्यूशन पढ़ाती रही हूँ क्या मैम? कौन है परिणीति? शी इज माई फ्रेंड। माय नेम इज प्रदीप गनवानी, मैं पुणे से आया हूँ। पुणे से जी। मेरा सवाल परिणीति मैम के लिए है। तो आपको रोका नहीं किसने टोल टैक्स पे वहां पे? बिल्कुल नहीं। तो आपका क्या सवाल है? ओ, भूल गया सवाल। मेरा सवाल परिणीति मैम से है। मैम आप एक चाइनीज साइंटिस्ट का रोल प्ले कर रही हो, तो उसमें आप मेरे साथ कुछ चाइनीज में रोमांटिक बात करोगी? आपको चाइनीज आती है? हाँ मैं आता हूँ। आपको आती है? आदमी परिणीति में इधर आ जाइए। क्या आपके दिमाग में ऐसा आया कि आपने कहा कि मेरे साथ रोमांटिक हुई है? मतलब मैं यहाँ 15 साल स्ट्रगल कर, मैं यहाँ पे बड़ा पाप बेचने आया हूँ? मैं तो बोला नहीं। परिणीति मैम इनके साथ करवाएं आपका रोमांटिक सीन जो। परिणीति मैम काफी खूबसूरत है, तो उसी के साथ में मैं रोमांटिक बात करने चाहूंगा आपके साथ। तो मेरे साथ नहीं करनी? अच्छा परी करो जरा रोमांटिक बात इनसे चाइनीज में। अच्छा करनी भी चाइनीज में? 4 दिन चलेगी फिर? अच्छा टॉम क्रूज साहब के लिए कुछ बोलिए। अभी मैं कपिल और सिड के साथ काफी बिजी हूँ। ये साथ में बैठे जो इनसे करवा लेते रोमांटिक सीन, मैं तो कहता हूँ। मुझे लगता है कि मतलब दीपिका पादुकोण को पानी में डुबोया, बाहर निकाला, थोड़ी फूल गई, विटामिन डी ज्यादा ले ली बाहर। आप सपोज ये परिणीति चोपड़ा है चेक शर्ट में, तो आप इनको बोलिए रोमांटिक होके। मैं नहीं, मुझे जाके देखना आजा। मैं से बोल रहा था कि वो, अरे मैं कह रहा हूँ मान लो ये परिणीति है, उसको फीलिंग नहीं आ रही। जैसे आप अपने आप को सलमान खान मान रहे हैं, वैसे ही इनको आप समझिए कि ये परिणीति चोपड़ा है। ठीक है चलेगा आपको? हाँ बिल्कुल। मैं आपको डायलॉग बताती हूँ आप बोलिए। परिणीति जी उधर परिणीति जी, आप बहुत ही खूबसूरत हैं। आप बहुत ही खूबसूरत, मेरी बड़ी बहन की तरह। सामने वाली परिणीति के एक्सप्रेशंस तो देखो, ऐसा लगता है पान खा के सीधी पिचकारी मारेंगे। वो कुछ कहना चाहते हैं? जी डॉक्टर हूँ। ओ किसने बना दिया? और आप जैसा भी इमीडिएट जैसा आपने मुझे बोला पिचकारी, मुझे बुगाने लगा, लेकिन आप जैसा बोलते हैं ये कैसा आपने डेवलप किया या स्किल है आपका? देयर इज अ मार्केट नियर पार्ला, यू कैन गो देयर एंड यू कैन गेट 500 ग्राम फॉर 6000। 500 ग्राम ऑफ कुमा ऐसे ही पता नहीं ऊपर वाला कराता जाता है, आप लोग प्यार करते हैं तो हो जाता है। शुक्रिया सर शो में आने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। चलिए शुक्रिया भाई साहब। और कोई हमारे दोस्त जो टाइम वेस्ट करना चाहते हो? और कहीं हमारे दोस्त? जी जी। ओह कम ऑन मैन, जल्दी जल्दी में आगे दाढ़ी इधर छूट गई आपकी। आपका सवाल किनसे है जी? अगर 2 मिनट्स मिल सके परी को चार्म करने के लिए, इट वुड बी माय प्लेजर। क्या करने के लिए? चार्म करने के लिए। चार्म कैसे करते हैं? लेट मी शो यू। कम 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 कम। ओके कम। अभी आपको मुझे मेरे को आपको इंप्रेस करना है, तो आप अभी रेडी नहीं हो मेरे लिए? ओके 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 अभी रेडी नहीं हो? ओके आई एम नॉट रेडी। आई विल डू समथिंग फॉर यू। सी देयर आर फ्यू लाइंस फॉर यू, चलेगा आपको? ऑफ कोर्स प्लीज। दौड़ेगा। कब से पुकारता है दिल? कब से पुकारता है दिल? अब पुकारता ही रहेगा कि आगे भी बढ़ेगा? मेरा तो इस जहान में तेरे सिवा कोई नहीं। माना कि मैं गरीब हूँ, माना कि मैं गरीब हूँ, माना कि मैं फकीर हूँ, मगर ऐ सनम मेरा इस जहान में तेरे सिवा कोई नहीं, कोई नहीं। सूट नहीं की एक तो और तो सम फ्यू लाइंस फॉर यू। ऊपर से अपने वो फकीर बोल रहा है, ऐसा फकीर कभी आपने देखा? एक्सक्यूज मी कैन आई हैव चेंज 2 रुपीस, आई नीड टू ईट समथिंग।
परी को अपना दिल देना चाहता हूँ, दे सकता हूँ? क्यों नहीं, क्यों नहीं? यस सिद्धू बाजी यस बोल रहे हैं, सिद्धू बाजी यस बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल दोगे, बिल्कुल। थोड़ा सा मुश्किल है निकालना। हाँ ये कहाँ से? सी आई हैव गॉट अ हार्ट फॉर यू। ओह थैंक यू हाउस आर थोड़ा ढीला दिल इधर इधर शरारती है। क्या करते ब्रदर आप? मैं कमर्शियल फोटोग्राफर हूँ। मैं इनको ज्वेलरी बहुत पसंद है। आई डू लॉट ऑफ ज्वेलरी फोटोग्राफी, रियल डायमंड, रियल गोल्ड। अच्छा अच्छा यस। सो आपको कभी ज्वेलरी में डिस्काउंट चाहिए हो तो वी हैव मैनी क्लाइंट्स, वी हैव मैनी क्लाइंट्स। तो आप फोटोग्राफर है कि ज्वेलर है क्या? मैं फोटोग्राफर हूँ। बाद में धीरे से बता दे सर, ताजी सब्जियां भी बेचता हूँ। आई हैव सम फ्रेश फ्रूट। एंड कपिल, मेरी वाइफ आप सब लोगों की बहुत बड़ी फैन है। यस एरी। एक्सक्यूज मी, अभी अभी दो साल पूरे हुए हमारी शादी को। आपकी नजरों के सामने दिल दिए जा रहे हैं। कभी आप कभी आपको दिया है ऐसा हिलता हुआ दिल ऐसे? आपने हर्ट किया है अपनी वाइफ को, अपनी वाइफ के सामने हर्ट देके। अब मैं आपको हर्ट करूंगा। दिस इज फॉर यू और सुनाइए ऊपर मौसम कैसा है? बहुत ठंडा है। आपको आपको लगा नहीं कितने रोमांटिक हो रहे थे कभी घर पे? आपको शेर वेर सुनाया कभी? नहीं कभी नहीं, बिल्कुल। वो आपकी बहुत बड़ी फैन है तो वो अभी सोच रही है जैसे मैंने हार्ट दिया है वैसे वो भी आपको बारे में कुछ बोल सके। आप ये दे दीजिए जरा। मैं कुछ नहीं, मैं तो बस आपकी साइड लेने आया था मैं, पर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। परी I'm the only bachelor, please. अब ये इस लड़के की उंगलियों के निशान में मिटा देता हूँ। अब ये मेरी तरफ से भाई साहब को कोई लेके जाइए। चलो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। परिणीति सिद्धार्थ प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए आप। पलक ये घोड़ा तेरी सवारी क्यों कर रहा है? शर्मा जी मेरा फ्रेंड है मनीष। मनीष शर्मा जी को हेलो बोलो। एक मिनट हाँ मनीष, अब थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बैठ जाओ आराम से। ओके आप थक जाओगे। शर्मा जी एक्चुअली क्या है ना कि मनीष ना घोड़े की रेस में सेकंड आया तो तब से मेरे पीछे पड़ा है कि मुझे पार्टी दे, मुझे पार्टी दे, मुझे पार्टी दे, तू फर्स्ट आई है घोड़ों की रेस में थोड़ी। पागल है तू, भालू की रेस में जा तू। चांस मिला है तो पार्ट लेना चाहिए ना। आ, बिल्कुल बिल्कुल। और कब से मनीष कह रहा है कि चल पार्टी दे पार्टी दे। मैंने कहा बेस्ट प्लेस है ना पार्टी के लिए, एक ही जगह हो सकती है, वो है शर्मा जी का घर। वाओ क्यों? गुड क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े लोग आते रहते हैं, सेलिब्रिटी टाइप। सिद्धार्थ मल्होत्रा। सिद्धार्थ मल्होत्रा मतलब सिद्धार्थ मल्होत्रा, सिद्धार्थ 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 मल्होत्रा मतलब मैं आपकी बॉडी की बहुत बड़ी फैन हूं। मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आज आपकी बॉडी मेरे सामने बैठी है। क्या मैं आपकी बॉडी के पास बैठ सकती हूँ? आपका आपका घोड़ा नहीं, वो मनीष ठीक है। जब से आई है सिद्धार्थ के बारे में बोलते जा रही, परिणीति भी तो आई है। ओह माय गॉड, परिणीति आपको मैंने देखा ही नहीं। वैसे कब आई आप? बस सिड के साथ अभी अभी आई। तो आप कब जा रही है पलक? एक मिनट, अब मैं यहाँ पर आई गई हूँ और मुझे इन लोगों से मुलाकात मेरी हो ही गई है तो इनको कैसा लगेगा अगर मैं सिद्धार्थ मल्होत्रा के लिए एक शेर ना कहूँ तो? सुनाती हूँ। अर्ज किया है, ठोको। स्काई का कलर है ब्लू, वाटर का कलर ग्रीन, ऐसा क्यों कोई ना जाने। स्काई का कलर ब्लू, वाटर का कलर ग्रीन, ऐसा क्यों कोई ना जाने। डिस्को दीवाना। मैं खाली ये कहना चाह रही हूं कि ये जो डांस स्टेप मैंने किया, अगर
अगर ये सेम स्टेप आप मेरे साथ करें अच्छा। तो स्टेप में चार चांद लग सकते हैं अच्छा। शायद, शायद। अभी इन्होंने अच्छा। किया तो सिर्फ तंदूर लगा चार चांद अगर सिद्धार्थ डांस करे तो आपके साथ हाँ आइए ना चलिए आइए आइए करेंगे ये स्टेप परिणीति भी आएगी इसको दीवाने 5 6 7 8 दो मिनट ये जो आप कर रहे हैं ना इसमें ये जो आपका ठुल्लू है ना वो ठीक से ऐसे आ नहीं रहा है ये ठुल्लू ठीक नहीं ठुल्लू वाला स्टेप आपका ठीक हो नहीं रहा और आपकी ये जो रोटी भी है ना वो राउंड नहीं बन रही है अच्छा 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 वो ऐसी अजीब सी शेप आ रही है उनमें हाँ ठुल्लू मुझे ऐसा लगता है नहीं अब फिर हाँ। मैं फीलिंग खाली बता रही हूँ पता नहीं पल्लव उन्होंने किसी तरह काम नहीं किया ना ढाबे पे उनको नहीं पता बेचारे हाँ। नहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये सेम स्टेप हाँ जी आप शर्ट उतार के करेंगे ना तो शायद बेटर हो जाएगा हाँ। अच्छा सिद्धार्थ अपने ऐप तब दिखाएगा अगर कपिल अपने दिखाएगा कपिल देखते रहिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए फॉलो रिएक्शन कपिल फिटनेस का हो जाए कपिल और मेरे फिटनेस का हो जाए पुशअप्स लगा देंगे नो 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 आई डोंट वांट टू मेक माय फिट मेक माय फिट मेक अ लॉट ऑफ पुशअप्स आप करिए सब मैं पुशअप्स करने के लिए तैयार हूं अच्छा ओके आइए आ जाइए आ जाइए मदद करेंगे ये मुझे दे 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 पुशअप्स करें आइए आइए ओहो लड़की के साथ ओहो ओहो वन टू अच्छा जंप करेंगे एक बार सिद्धार्थ परिणीति और हमारी पलक के लिए जोरदार तालियां सिद्धार्थ परी पहले भी आ चुकी आप पहली बार आए आपको मतलब आपका डेब्यू जो था करण सर की फिल्म का ही था मतलब आपने बड़े ब्रांड की फिल्में की कभी आपने सोचा था ऐसे कॉमेडी नाइट्स में आने का मौका मिलेगा मेरे पूरे दोस्त घर वाले मेरे मॉम डैड बहुत बड़े फैन हैं आपके थैंक यू आप ग्रेट कर रहे हैं कॉमेडी सबको हंसा रहे हैं इट्स वेरी पॉजिटिव एंड थैंक यू वेलकम वेलकम लेकिन मैंने ना इतना फास्ट फास्ट आप लोग इतनी बातें कर रहे थे ना बीच में मैंने एक और शेर इनके लिए भी बना लिया जब मैं एक्सरसाइज करती हूँ तब निकल जाती है मेरी जान वाह जब मैं एक्सरसाइज करती हूँ निकल जाती है मेरी जान मैं परेशान परेशान देखिए मनीष को देखिए वो भी हॉस हॉस के पागल हो रहा है नाइस नाइस एक मिनट शर्मा जी मुझे एक बात समझ में नहीं आती क्या कि हर बार मतलब आपके घर में जो भी गेस्ट आता है उसके लिए मैं आके शेर बोलूं फिर मैं डांस करूं मैं ये करूं मैं वो करूं मतलब नन्नी सी जान क्या क्या करे कभी कोई मेरे लिए भी कुछ करेगा कि नहीं मैं करती हूँ मैं आपके लिए गाना गाऊं भाई और बहनों बड़े खूबसूरत आवाज की मल्लिका पहाड़गंज रंजिम ऑर्केस्ट्रा की तरफ से मिस परिणीति आपके सामने चार लोग